का कल आजकल कार्यक्रम और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर भव्य नाटक का आयोजन करेगी, सीएम केजरीवाल ने कहा। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा की टीम ने उठाया विकी कौशल कैटरीना कैफ की शादी में सुरक्षा का जिम्मा। भारत में 21 हुए ओमिक्रॉन के मामले, दिल्ली राजस्थान में भी मिले केस। कोहली भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कप्तान, इरफान पठान ने कहा। मुंबई टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत, न्यूजीलैंड को 372 रन से हराया। शशि थरूर ने भी खुद को संसद टीवी शो से किया अलग। आशा है कि रूस भारत का प्रमुख भागीदार बना रहेगा, हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में मदद करेगा, राजनाथ सिंह ने कहा। बीएसपी चीफ मायावती ने बाबा साहब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। अखिलेश ने ट्वीट किया, मुझे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाने वाला धर्म पसंद। राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की परीक्षा होगी ऑनलाइन, मध्य प्रदेश सरकार का फैसला। सीएम योगी ने दिखाई सख्ती, पेपर लीक केस की जांच करेगी एसआईटी। अब तक 35 से ज्यादा गिरफ्तार और कई अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। वसीम रिजवी इस्लाम छोड़ा से हिंदू बने। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा नया नाम। हिंदू बनते ही वसीम रिजवी के विवादित बोल, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब में बना था। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने की पाकिस्तान के साथ व्यापार खोलने की मांग, बोले केंद्र सरकार से करेंगे मुलाकात। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ दिव्यांगों को योगी सरकार का तोहफा, फ्री में दी जाएगी मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल। वाराणसी में 13 दिसंबर को जुटेंगे बीजेपी के सभी सीएम डिप्टी सीएम, 14 को पीएम मोदी संग बैठक। अखिलेश ने अपने कार्यकाल में आजमगढ़ को बनाया अपराधियों का गढ़, यूपी में सीएम योगी बोले। बीएसपी पोस्टर और बैनरों में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बैलेट पर दिखाई देगी, 2007 की तरह सभी को चौंकाएगी, सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा। विदेशों से आ रहा कोविड-19 ओमिक्रॉन संस्करण, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोकने की जरूरत, सत्येंद्र जैन ने कहा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 विदेश यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले, LNJP अस्पताल भेजा गया। 3 दिवसीय ढाका यात्रा के दौरान बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में भाग लेंगे राष्ट्रपति कोविंद। मैत्री दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, बांग्लादेश के पीएम के साथ काम करना जारी रखने की उम्मीद। नागालैंड नागरिक हत्याओं की जांच के लिए भारतीय सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की स्थापना की, सूत्रों से पता चला। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में मारे गए नागरिकों का अंतिम संस्कार, सीएम नेफ्यू रियो शामिल हुए। यूपी पुलिस का फर्जीवाड़ा, नेत्रहीन शख्स को केस में बना दिया चश्मदीद गवाह। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के सामने लगाए जय श्री राम के नारे, 4 हिरासत में लिए गए। ओवैसी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश कर नागालैंड गोलीबारी की घटना पर चर्चा की मांग की। व्हाट्सएप पर वायरल वोट न देने पर 350 रुपए कटेंगे, फर्जी खबर से चुनाव आयोग चौकन्ना, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जांच में जुटी। NCR वायु प्रदूषण SC ने गैर व्यवसायिक इकाइयों की निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया। लोकसभा में अमित शाह का कहना है कि नागालैंड फायरिंग की घटना गलत पहचान का मामला है। सीएम योगी ने कसा अखिलेश यादव पर तंज, कहा नया वेरिएंट आ गया है, अब तो लगवा ले वैक्सीन। भारत बांग्लादेश आतंकवाद को मदद करने वाली आधिकारिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए मजबूत प्रतिस्पर्धा साझा करते हैं, मैत्री दिवस में श्रृंगला ने कहा। भारत रूस ने कई समझौतों, अनुबंधों और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, राजनाथ सिंह ने कहा। ओमिक्रॉन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। निफ्टी 17,000 के नीचे, सेंसेक्स 949 अंक गिरा, ऑटो IT फार्मा पर चोट। IMD ने पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी की। सूर्यास्त 5:08 पर, नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ दोपहर 12:12 तक। 39.99 लाख रुपए में लॉन्च हुई ऑडी A4 प्रीमियम। दुर्दांत माफियाओं की सरपरस्त है समाजवादी पार्टी, इसलिए बुलडोजर चलने पर होती है तकलीफ, सपा पर सीएम योगी का निशाना। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम पर सपा का सियासी दाव, मुलायम सिंह का करीबी बताकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश। मेरठ के खरखौदा के खेत में संदूक में मिली युवती की लाश, सोशल मीडिया के जरिए शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। ये दिल से नहीं, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने अफस्पा हटाने की वकालत की। 2014 में लोकसभा से इस्तीफा देने की मेरी इच्छा को ठुकराने के बाद पीएम मोदी का सम्मान कई गुना बढ़ गया, HD देवगौड़ा ने कहा। मनसुख मंडाविया, ओम बिरला ने संसद में स्वास्थ्य शिविर का किया उद्घाटन। पंजाब चुनाव 2022 में अमरिंदर का कहना है कि बीजेपी सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट जल्द। कैटरीना कैफ की कौशल जल्द पहुंचेंगे राजस्थान। भारत रूस ने 2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग के विकास कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए, रूसी जनरल दमित्री सुगेव ने कहा।
सेना ने संदिग्ध समझकर चलाई थी गोलियां। नागालैंड फायरिंग पर लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह। यूपी में सपा का सहयोग करेगी टीएमसी। अगले माह वाराणसी तक का दौरा करेंगी ममता बनर्जी। नोएडा में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर 4 लाख रुपए का जुर्माना। शहर का एयर पोल्यूशन गंभीर श्रेणी में। आइए अब जान लेते हैं क्या है 7 दिसंबर का इतिहास। सन 1856 में देश में पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदू विधवा का विवाह कराया गया। सन 1949 में आज ही के दिन भारतीय सशस्त्र बल फ्लैग डे मनाती है। सन 1995 में आज ही के दिन भारत ने संचार उपग्रह इनसेट 2C का प्रक्षेपण किया था। अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।